हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानामूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरुर्कृपा मुख्यमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष चिदानंद जी की जय। श्रद्धे यानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने को जाऊे मालिका वर्णित एक स्थान जार नाम हूँ ओलाशुणी गुंफा पहाड़। ये विषय आज मालिका वचन आम आलोचना करने को जाऊे और आलोचना शेष जन भक्तर ना कहू किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो। महापुरुष कहले हरकित दास मालिकार नाम महागुप्त पद्मकल्पति ओलाशुणी पर्वत रे साधु सभा हेब एकाक्षर परीक्षाटी अरक्षित कहिब एकाक्षर परीक्षा जे अरक्षित कहिब एकाक्षर परीक्षा जे अरक्षित कहिब। महापुरुष कहले कहले बाबू रे ओलाशुणी पर्वतरे साधु सभा हेबो किए लिखिले ना मालिकार नाम महागुप्त पद्मकल्प। ये महागुप्त पद्मकल्प को लिखिंट कि ना महापुरुष अरक्षित दास गंजाम जिलार बड़खेमुंडी जन्मग्रहण करी डिकपहंडी कचेरी घरे अनेक दिन धरी सपरिवार रही महापुरुष अरक्षित दास संसार प्रति वैराग्य भाव आसीबा समय रे जेतबले किरणीमाला पर्वत ऊपर को चली गले राति अधरे फेरिबा को चिंता करिचनी पूणी घर को फेरि जीवी किंतु पूणी थरे भगवत प्रति तांकर चेतना जागरण हिछ पूर्व जन्मर प्रारब्ध अनुसार आउ संसार को फेरि नाहंती। ए ज्ञानी गुणी मंडली सेठियो परिवार संसार सब किछि बोली एवं अनेक स्थान बुली 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 शेषे आसी पहुँची जन ओलाशुणी गुंफा पहाड़ रे। आप जानते देखिए बर्तमान ओलाशुणी गुंफा पहाड़ कि सुंदर मनोरम से स्थान कि सुंदर मनोरम स्थान आज पर्यटन दृष्टि हुए तो से स्थान को आम जीवा द्वारा आनंद अनुभव उपलब्धि करपारती किंतु आध्यात्म जगत रे से स्थानटी हूँ साधनार एक प्रकृष्ट स्थान। ये स्थान हूँ साधनार एक प्रकृष्ट कौन स्थान साधन सिद्धि पाइवे प्रकृष्ट स्थान नहीं से महापुरुष अरक्षित दास ये साधनारत पंच सखा मानले वैष्णवाचारी पंच सखा मानले वैष्णवाचारी कि महापुरुष अरक्षित दास अवधूताचारी नहीं ज्ञानी गुणी मंडली से साधना समाधि पीठ कले ओलाशुणी चंडीखोल रु केन्द्रापड़ा जीवा बाटरे पड़ो कौन बालीचंद्रपुर छक पड़ो चारिनंगल छक बंदरेश्वरपुर छक बंदरेश्वर छक पंचुपांडव छक से मझीरे ओलाशुणी गुंफा पहाड़ पोड़ पिठा भोग हुए सुखुआ भी सेठी भोग हुए नहीं जानते देखिए
महापुरुष कहिले एक मनोरम स्थान से ओलाशुणी पर्वत कौन हम महागुप्त पद्मकल्प लिखिले कटक केन्द्रापड़ा जाजपुर जिला ये तीनोटी जिलार समष्टि बा केन्द्रीय स्थली हूँ ओलाशुणी पहाड़। ओलाशुणी पर्वत रे साधु सभा एकाक्षर परीक्षा जे अरक्षित एकाक्षर परीक्षा जे अरक्षित एकाक्षर परीक्षा जे अरक्षित कले ये बाबू एकाक्षर परीक्षा दिने हेबो कलिजुग शेष ओलाशुणी पर्वत जो साधु सभा हेबो कहीं केते दूर रु साधु संत माने ये क्षेत्र को आकर्षित ही आसंदी टाणी ही आसंदी क्षेत्र रे स्थान रे टिके पाद पकई दबा पाए ये स्थान रे टिके पाद पकिया पाई कहीं केते दूर रु साधु संत भक्त महामुनि महर्षि माने ज्ञानी गुणी माने आसी पहुंची जाते ये क्यों रूप रे आम चिन्ही जाते ये बा क्यों किए बा अच्छी क्यों मते रे उद्धव ता मु जानी के मंते रे उद्धव किए बा अच्छी क्यों मते ता मु जानी के मंते किए क्यों मते रे अच्छी आम कौन जानी पारा सी साधु रूप से भगवान देवता मैंने आसुन थे बोली किपर तेणु साधु सत भक्त मान विषय देवादेवी माने संत महात्मा रूप से आज स्वयं भगवान सेठाक आसुचंते बोली आसबे बोली महापुरुष अर्खित दास लिखिं महागुप्त पद्मकल्पे तेणु हे ज्ञानी गुड़ी मंडली साधु सभा जिते बड़े हेब आउ आग को एकाक्षर परीक्षा अरक्षित करिवो सेतेबेले कले केते केते भक्त आसी सेठारे मिलिबे केते केते भक्त आसी सेठारे मिलिबे अरक्षित ठारु केही उपुरी न जीवे अरक्षित ठारु केही उबुरी न जीवे अरक्षित ठारु केही उबुरी न जीवे कहले केते केते भक्त आसी सेठारे मिलिबे केति भक्त आसी सेठारे मिलन हेबे एका चारि दिगर भक्त आसी मिलन हेबे बोलिए महापुरुष अरक्षित दास की ठीक ज्ञानी गुणी मंडली सुथी ओलाशुणी पीठ नी तेणु से ओलाशुणी पीठ का आज सारा संसार परिचित ना महापुरुष अरक्षित दास आप जानते यही ज्ञानी गुणी मैं जीवंत जीवंत समस्त यही ज्ञानी से ओलाशुणी पर्वत को पहाड़ को जीवंत कर दे जीवे आपण को बंचला भली देखा जाऊ से पहाड़ी सत्य बा कथा कह से पहाड़ जीवन रही कि से भाई भाव से पहाड़ी आप देखिले जापर कहीं महापुरुष अरक्षित दास साधनार पराकाष्ठा बल से ओलाशुणी पहाड़ को सिद्ध कर जीवंत कर दे जड़ चेतन पाई सेटार जड़ चेतन परिणत हो जाए ज्ञानी गुणी मंडली से ललितगिरी बोली गोटे गाँ अच्छे जो गाँव रे एक भक्त घर को जाते महापुरुष अरक्षित दास जो भक्त घर को गले माटी महापुरुष अरक्षित दास केश कुंडी दौ था जोबले केश कुंडी दौ था समय जो केश गोटे उपुड़ी पड़ा केश गोटे जिते झड़ी पड़ा ये माँ जनक से केशटी को जत्न रखिले अरक्षित दास कहले बुढ़ी रे ये केशर तू जत्न नहीं पारू मो केशर जत्न तू नहीं पारू ना प्रभु आपणकर कृपा हेले करुणा हेले मु नहीं पार आज भी से केश जीवंत परीक्षा करूँ जा ललितगिरी से गाँव रे देखिए जे से केशटी गोटे काचर बाक्स भीतर रही समय अरक्षित दास एक केश से बाक्स भीतर रही
किंतु धीरे 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 से केशटी बढ़ुची जितेबले ओलाशुणी गुंफा मेला हुई सेतेबले से ललितगिरी ग्रामर ओलाशुणी की आसे से केश यात्रा हुई केशर यात्रा हुई बुझिले से केशटी एबे मध्ये बढ़ुची तो महापुरुष कले से अरक्षित दास कहुचंदी महागुप्त पद्म कल्पे केते केते भक्त माने आसिकी मिलन हेबे बोले केते केते भक्त आसी सेठारे मिलिबे आउ केसे केते भक्त आसी सेठारे मिलिबे अरखित ठारो केही उपुरी न जीवे अरखित ठारो केही उपुरी न जीवे अरखित ठारो केही केते केते भक्त आसिक वर्षक थे से मिलन होना कि सब तो भक्त रंग मेला खेला लीला चलचे ना ये कथा को जाई फूल मालिकार अच्युतानंद कहले ओला सुनी पर्वत रे चारि दिग भगत मिली से थारे जे हेरा होई बसे ही आवरे सुजने जे हेरा होई बसे ही आवरे सुजने जे ओला सुनी पर्वत रे चारि दिग भक्त मिली सेठारे जाई फुललो खेल होइब सेई ठावरे से ठावरे खेल प्रभुंकर कलिकि भगवानकर हेबो कलिजुग शेष बेले आज होउछि खेल तेणु सेई कथा कहुछन् चारि दिगर भक्त माने सेठि मिलन हेबे ए कथा को अर्खित दास लेखेले कहले केते केते भक्त आसि सेठारे मिलिबे अरखित ठारु केहि उबुरि न जीवे अरखित दास कौन मो ठार कहीं उबुरी जीवे ना सब भक्त माने जीती तंत्रिक मांत्रिक जांत्रिक जीती मंत्र चंत्र जंत्र जाणी आसेरा कहीं ये क्षेत्र को ये क्षेत्र में मो ठार कहीं उबरिक जीवे आउ अरक्षित दास अटे मोर गेला पुआ दास अटे मोर गेला पुआ करे चली बसे मालिका निर्णय मो आगरे चली बसे मालिका निर्णय मो आगरे चली बसे मालिका निर्णय अच्छा तो कहले अरक्षित दास अटे मोर गेला पु मो गेला पु कि ना अरक्षित दास ये कथा को पूरा शिवकल्प नवखंड निर्घंड अच्युतानंद लिखिंट कौन लिखिंट कहे बाबू रे आग को समय अच्छी कलीजुगर जो मो मालिकार प्रचार हे समस्ते मालिका कहे से हेतु धिया पांच नित्य पंच सका दुईश छपन आउ बहुल दुईश छपन आउ ओला सुनी चारे अरक्षित दास सर्वपरि श्रेष्ठ हेउ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हेतु दिया पांच नित्य पंच सखा दुईश छपन आउ ओला सुनी ठारे अरक्षित दास सर्वपरि श्रेष्ठ हेउ कि समस्त श्रेष्ठ अरक्षित दास हेतु दिया पांच नित्य पंच सखा दुईश छपन आउ कलिजुगर भक्त माने मालिकार प्रचार करिवे बुझिले मालिका ग्रंथ पाई समस्त भितर ओला सुनी ठारे अरक्षित दास सर्वपरि श्रेष्ठ हेउ बोलिए महापुरुष अरक्षित दास की ज्ञानी गुणी मंडली तेना महापुरुष कहले तत्वबोधि अच्युतानंद कौन कहले कहले आहुरी कथा ए सुण रे राम आहुरी कथा ए सुण रे राम अरक्षित अटे भकत टाण अरक्षित अटे भकत टाण आहुरी कथा ए सुण रे राम अरक्षित अटे भकत टाण सब भक्त मानकर टाण हेउची रामरे अच्युत कहते रामरे मालिकार नाम है तत्वबोधिनी पढ़वे आप हज समाधि को साधि बसे
अज समाधि को साथी बसे एत्र मिलिब देह को ह जाई एत्र मिलिब देह को ह जाई अच्युतानंद महापुरुष कहले कहले रामचंद्र रे हज समाधि को से साधी थिबो देह को हजेकिरी हज समाधि देह को हजेकिरी क्षेत्र मिली बसे ए क्षेत्र मिली बा देह को हो जाए ज्ञानी गुणी मंडली सुथिया भक्त मान को गहन रे अरक्षित दास जीवन रो शेष समय उपनीत हेबा जानी भक्त मान को ढकी गहन रे कहिले मु वर्तमान समाधिस्थ हेबी मु देह छाड़ी देवी ये स्थूल शरीर आउ रखिबे नाही इह लीला संवरण रो समय हे भक्त माने हे शिष्य प्रशिष्य माने मोर आशी उपनीत हेगला आशी पहुंची गला मु जेउति पे जन्म हेतिली मु जेउ कारण पे जेउति पे मु जन्म हेतिली प्रभु मते माध्यम रूपे बाची थिले से काम मु समापन करिछि ई क्षेत्र के को साधना सिद्धि पीठ भाबरे परिणत करिया पे मोर जो प्रयास थिला ताकु मु पूर्ण करिछि मो जीवन रो लक्ष्य मु पाई आइछि पूर्णांग मो जीवन रो मिली आइछि तेणु आउ संसार रहीबार मोर आवश्यकता नाही हे शिष्य प्रशिष्य माने मु वर्तमान देह हजेबी देह छाड़ी समाधिस्थ हेबि समाधिस्थ हवा समय रे शिष्य माने आखिर लुह गड़ौथांदी गुरु चली जिवे शिष्य माने गुरु बिना कण रही परिवे गुरु जे उसे हो बाबू सूर्य तेज जानी शिष्य चंद्रमा किरण शीतल ही पुणी गुरु हेउचने सूर्य सम नहीं हे ज्ञानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ठारु गुरु स्थान हेउची बहुत ऊर्धरे गुरु स्थान नहीं सबु तीर्थ सकल तीर्थ गुरु पाद तले था नहीं सारे तीर्थ धाम आपकी चरण में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरण में सारे तीर्थ धाम आपके चरण में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरण में तेणु गुरु चरण रे समस्त तीर्थ स्थान धाम रही था तेणु गुरु जितेबले गुरु जितेबले शिष्य विदाय नौचंदी आखिरे लुह किंतु समाधिस्थ हेलापर शिष्य माने पड़गले गुरु समाधिस्थ ई समय श्रीक्षेत्र जड़े भक्त आसिकी शिष्य आस पहुँचला कांदुच कहीं कौन है तुम्हें नथिल किंतु गुरु आज समाधि अवस्था को जाइछन्नी समाधिस्थ होती आपड़ जी ओलाशुणी ओलाशुणी पहाड़ को जीवे गोटे गुंफा रही ताला पड़ी एपर्तन खोला ही ना जीवे जा देखु गोटे गुंफा रही गुंफार ताला पड़ी चाबी एपर्तन खोला है एक दिन बेला पर खोला हुए नहीं समय क्रमे वर्ष को थे खोला हुए एवं से तारी भितर महापुरुष अर्खित दास प्रवेश करते समाधिस्थ अवस्था बुझे आड़े मालिकार लेखाही सी गुंफार आरंभ होलाशुणी पहाड़ रू से गुंफार शेषटी कौटी श्रीक्षेत्र से गुंफाटी भितर भितर जाई 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 श्रीक्षेत्र पर्यन बाट पड़ी से शिष्य गला कि कथा गुरु समाधि नहीं ना ना मु तो यही श्रीक्षेत्र देखी आसली श्रीक्षेत्र महाप्रभु निकट बड़दान मु गुरु को देखिली मुझे महाप्रभु दर्शन करने देखिली गुरु आमर से बुलुंट तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली अच्युतानंद महापुरुष तत्वबोधिने यही कथा कहले अर्खित दास महापुरुष ओलाशुणी पहाड़ से शून्य समाधि नहीं ब्रह्म अवतारी अर्खित दास कौन सी आ आपण तांकर दर्शन टिके करि जांतु ओलाशुणी पर्वत को जांतु जीवन थरुटी सेठार जो परिवेश परिवेश आपण देखिबे से स्थान रे पाद पकांदु जन्म जन्मांतर पाप ताप अनेक विनाश हेबो अच्युत कहिले अज समाधि को साधी बसे अज समाधि को साधी बसे क्षेत्रे मिलिब देह को ह जाई क्षेत्रे मिलिब देह को ह जाई देह को हजेई दबो क्षेत्र रे पुणी जाई दर्शन दबो
केतरे भेटब किभि सन्त महात्मा महापुरुष सी हे ज्ञानी गुड़ी मंडली और खे दास आपण थे भावि कथा विचार करंतु पुणी अच्युत कहिले तत्वबोधी ने सजीव देह से रखीब कीर्ति सजीव देह से रखीब कीर्ति नाम होइब जगत रे ख्याति नाम होइब जगत रे ख्याति कले सजीव देह से रखीब कीर्ति सजीव देह रे से कीर्ति रखी जीव आउ नाम होइब जगत रे ख्याति गला परे ये स्थूल सर छाड़िला परे जगत रे तांकर ख्याति आज देखु नांदी जगत रे उलासणी पहाड़ आज ख्याति बढ़ी मालिका वचन माध्यम रे आसी जगतवासी मते जानिछन उलासणी पहाड़ महिमा महात्म्य विषय आज जानिया को पाइछंती जानतु लक्ष लक्ष भक्त साधु संत माने आज सीठा को जाउछंती पहुंचुछंती दर्शन करुछंती से स्थल की तेल ही ज्ञानी गुणी मंडली सत्यने आप मोर नवेदन तेल उड़ाशुणी पहाड़ जाई स्थित पवित्र पुण्य क्षेत्र पाद पक जीवन पुण्य अर्चन करतु बुझे आज तो समय ये सत्यने आसत बाणी की विराम दवा प्रभुंर नाम नहीं तो पूर्व जन भक्तर ना कह किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म ही थ ओटा बुहा ग्राम तारिणी धाम गोल चहल प्रकाश अरूपानंद जी से रही अंगुज्योति परकाश अंगुज्योति परकाश हे सुजने अंगुज्योति परकाश अंगुज्योति परकाश हे सुजने अंगुज्योति परकाश ओट्टाबुआ ग्राम रे मां तारिणीकर पवित्र स्थान रे अरूपानंद बोली जने भक्तंगर जन्म हेतिबो बोली अच्युतानंद महापुरुष भक्त तालिका मालिकारे नाटी लिखिदेले आम भक्त ना कहलु आपठाव करी सुधी जानी आज तो समय हो तो आसत बाणी की विराम दवा श्री प्रभुंर नाम नहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुधी यानी ज्ञानी मुखी मंडली आजपाई आसतु बाणिकाठार विराम दवा पुणी आसंता अध्याय भेट होगा रहुचो हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांति भवतु प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।